सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबरों का, आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हापुड़ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 802 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और जिले में बिजली और पेयजल योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, हापुड़ दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ सौगात दे सकते हैं वहां के वासियों को? जी मयूरी, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री आज हापुड़ के दौरे पे हैं। आपको बताएं कि आज हापुड़ के लिए काफी बेहद खास दिन होने वाला है, क्योंकि क्योंकि जो अगर देखें तो जो तोहफों का पिटारा है वो आज मुख्यमंत्री हापुड़ में खोलेंगे। वहीं आपको बताएं कि पेयजल साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तमाम सुविधाओं से आज वहां का सौगात देंगे, साथ ही साथ वहां के अस्पतालों का भी निरीक्षण करेंगे, जिसमें सूबे के उप मुख्यमंत्री के तमाम प्रयासों के बाद, निर्देशों के बाद अस्पतालों के कायाकल्प को पलटने को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल समेत तमाम जगहों के निरीक्षण करेंगे। उसी क्रम में आपको बताएं कि इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि आज हापुड़ के अंदर में करोड़ों का सौगात देंगे, साथ ही साथ शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और वहीं बताएं, ये बताइए, 802 करोड़ की परियोजना देने की बात कही गई है, इसमें क्या कुछ शामिल है? जी मयूरी, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री वहां जाकर 802 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। उसमें अगर बात की जाए तो बिजली और बेहतर पेयजल की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर ये सभी रुपए आज हापुड़ के अंदर में मुख्यमंत्री को के द्वारा सौगात दिए जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री आज हापुड़ के अंदर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें अपने सरकार में रहते हुए अगर बात की जाए तो योगी सरकार 2.0 आ चुकी है, और योगी सरकार 2.0 के अगर देखें तो लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं, तो अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे। साथ ही साथ वहां के संगठन के जो पदाधिकारी रहेंगे उनको अंदर जोश भी भरेंगे 2024 के चुनाव को लेकर। साथ ही साथ आपको बताएं कि जनसभा के दौरान जो क्षेत्रीय नेता होंगे, साथ ही साथ संगठन के नेता होंगे, बीजेपी के घटक दल के जो नेता होंगे उनकी भी मौजूदगी होने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बताएं इसको लेकर आज सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों के ऐसे सुराग मिले थे, जिसको लेकर प्रदेश में अलर्ट मोड जारी किया गया है। वहीं अगर बताएं तो सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए दूसरे जिलों की भी पुलिस है और जो चौकियां हैं वहां से भी सिपाहियों को बुलाया गया है, अधिकारियों को बुलाया गया, उन्हें पूरे जिम्मा दिया गया है। और मयूरी, आपको बताएं कि 12 एसपी, 46 सीओ और वहीं निरीक्षक के रूप में 198, उप निरीक्षक के रूप में 200 और हेड कांस्टेबल की बात करें तो 535, कांस्टेबल की बात करें तो 95 और यातायात पुलिस की 6 कंपनियों और पीएससी की भी कंपनियों को तैनात किया गया है। वही आपको बताएं कि आज के जनसभा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ड्रोन कैमरे को भी लगाया गया है। ड्रोन कैमरे से पल पल की जो चप्पे चप्पे की नजर भी रखी जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि आसपास के जो तमाम ऐसे तत्व होंगे उसकी भी जांच की जाएगी और पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ पूरे प्रशासन की वहां मौजूदगी होगी। और अब सीएम मुख्यमंत्री वहां जाते हैं तो 802 करोड़ की जो परियोजना है, जिसमें बिजली की और साथ ही साथ बेहतर पेयजल की समस्या जो कि हापुड़ के अंदर में कहीं ना कहीं देखें तो विभांशु, ये जो बात कही गई है पेयजल और बिजली की योजनाओं की शुरुआत होगी, तो ये जनता को मतलब कितना लाभ मिलेगा इससे? जी बेहतर, अगर बिजली की बात करें तो आपने देखा कि हापुड़ समेत जो जो आपके पश्चिम के जिले हैं उसमें कहीं ना कहीं पानी की समस्या को लेकर हमेशा विपक्ष आवाज उठाता रहा है। उसी क्रम में आप देखने वाली बात यह होगी कि 802 करोड़ की परियोजना देने के बाद जो रोजमर्रा जिंदगी में पानी और बिजली का एक बेहद अहम रोल होता है, उसी क्रम में मुख्यमंत्री की तरफ से बेहतर पेयजल, जिसमें आपको बताएं कि हर घर जो टोटी लगाने का कार्यक्रम है, जिसमें जल शक्ति मंत्री तमाम प्रयास कर रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, उसी क्रम में अब देखने वाली बात ये होगी कि हापुड़ का जो पेयजल समस्या है उससे मुख्यमंत्री के इस सौगात के बाद कितना जनता उससे खुश होती है
और अगर देखें तो अधिकारियों के लिए चुनौती होगी कि जल जल परियोजना को धरातल पे उतार के और जनता को लाभ पहुंचाए। जी मयूरी, शुक्रिया विभांशु आपका हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।